जय हिंद साथियों। तो हम अभी सापला में हैं, आप लोगों को पता है। तो बच्चे अभ्यर्थी जो बोले, दोस्त मेरे भाई जो बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर हम लोग को आना कब है, तो भाई ये तो मुझे भी नहीं पता है। अब जो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, इस समूह को लीड कर रहे हैं, जो यहाँ पे सभी मौजूद हैं, तो हम स्वयं अभिराज भाई से ही पूछ लेते हैं ना कि हम लोग को कब आना है और नहीं आना है। क्यों, तो आइए पूछते हैं उन्हीं से। बोलिए भाई, कब आना चाहती हो, क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ ना कि सब बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि कब आना है, कब डॉक्यूमेंट्स जमा करना है। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूँ आप सभी को, जब शेर दो कदम अगर पीछे कर ले तो ये समझ लेना कि लंबी छलांग लगाने की तैयारी चल रही है। आप सभी मतलब अपने मन में बिठा लो कि इस बार लंबी छलांग की तैयारी चल रही है। हम इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या तो हमें जीत मिलेगी या तो हम यहाँ से एकदम बिखरे हुए टूटे हुए घर जाएंगे। साथियों, इस बार जो प्लानिंग चल रही है, हमें 100% विश्वास है कि इस बार हम जरूर जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात है साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से ही उड़ान होती है। साथियों, हौसला रखना है। आप सभी देख सकते हो, जिस दिन मैं घर से निकला था मेरे साथ कोई नहीं था, आज आप जैसे हजारों युवा हमारे साथ हैं। हम जरूर जीतेंगे और मैं वादा करता हूँ आप सभी से, जब तक हमें जीत नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ से घर नहीं जाऊँगा। और रहा बात आपको कब बुलाना है, कब डॉक्यूमेंशन होगी, जब भी डॉक्यूमेंशन होगा आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, आप सभी को मैसेज कॉल जिस भी प्लेटफॉर्म के द्वारा आप सभी के पास पहुँचे आप सभी के पास पहुँचा दिया जाएगा। और रहा बात, हम दो कदम पीछे हटे हैं ना कि वहाँ से भाग गए हैं, हम इस बार ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि इस बार हमें जीत पक्की मिलेगी, पक्की जीत मिलेगी। और जो सपना हमने देखा था फौज में जाने का, वर्दी पहनने का, AK-47 चलाने का, वो भी सपना पूरा होगा। आप सभी बस तैयार रहें, जब भी आप सभी को बुलाया जाए उस समय आप सभी बिना देरी के यहाँ पे बिना बेझिझक किए हुए आप सभी आए। बाकी जय हिंद, जय भारत।